जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे आज के दैनिक पंचांग के बारे में, आज के दिन और रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में और फिर जानेंगे व्रतों के बारे में। आज दिनांक 25 नवंबर 2023 दिन शनिवार। शनिवार शनिदेव और हनुमान जी का दिन माना गया है। आज जिनका भी जन्मदिन है उनको उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनका भी विवाह का सालगिरह है उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे YouTube चैनल पे आप जितने भी व्रत और कथा को सुनने वाले हैं तथा पंचांग को सुनने वाले हैं, आप सभी भक्तों पर शनिदेव और हनुमान जी का कृपा सदैव बना रहे। सभी सदा स्वस्थ रहें और सदा खुशहाल रहें। आज कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि होगी शाम 5:23 तक। आज के दिन वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत किया जाएगा और रात्रि में भगवान शिव भगवान विष्णु का पूजन किया जाएगा। भगवान विष्णु को जो कि बिलपत्र चढ़ाया जाएगा और भगवान शिव को तुलसी दल अर्पित की जाएगी। और कल के दिन जो कि 26 नवंबर को जो भी कार्तिक पूर्णिमा का व्रत धारण करने वाले हैं वो सभी 26 नवंबर को व्रत धारण करेंगे और 27 नवंबर को देव दीपावली स्नान दान की पूर्णिमा त्रिपुरारी पूर्णिमा मनाया जाएगा। अगर आप सब विशेष प्रकार से कार्तिक पूर्णिमा के बारे में वैकुंठ चतुर्दशी के बारे में जानना चाहते हो तो उसका वीडियो चैनल पे अपलोड है, आप जाकर के जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। आज सूर्योदय सुबह 6:21 और सूर्यास्त शाम 5:07, चंद्रोदय यानी कि चंद्रमा उदित होंगे दोपहर 3:33 पे और चंद्रास्त यानी कि चंद्रमा अस्त होंगे सुबह 4:02 पे। सूर्य वृश्चिक राशि में रहेंगे और चंद्रमा मेष राशि में। यह हेमंत ऋतु है, अयन दक्षिणायन रहेगा। योग वरियान योग अगले दिन सुबह 3:53 तक, उसके बाद परिध योग होगा। करण तैतिल करण शाम 5:22 तक, उसके बाद ग्रह करण। नक्षत्र की बात करें तो अश्विनी नक्षत्र दोपहर 2:56 तक, उसके बाद भरणी नक्षत्र। दिशा शूल की बात करें तो आज शनिवार दिन होने के कारण आज के दिन उत्तर पूर्व ईशान दिशा की यात्रा ना करें, यह लाभकारी नहीं होगा। अगर ज्यादा जरूरी हो घर से बाहर निकलना तो आज के दिन घर से अदरक उड़द की दाल या तिल खाकर बाहर निकले। इससे पहले 5 कदम पीछे चले फिर अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़े। आज शनिवार का दिन है तो आज के दिन शनिदेव हनुमान जी का पूजन करें। पीपल के वृक्ष में गुड़ तथा तिल मिश्रित जल डालें तो लाभकारी होगा। और आज वैकुंठ चतुर्दशी है तो भगवान विष्णु भगवान शिव जी का पूजन करें, वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत धारण करें तो बड़ा ही पुण्यफलदायी होगा। अब आइए जानते हैं आज के राहु काल समय के बारे में। राहु काल समय की बात करें तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए या लाभकारी नहीं होता है। तो आज का राहु काल समय होगा सुबह 9:03 से सुबह 10:24 तक। गुली कालम समय होगा सुबह 6:21 से सुबह 7:42 तक। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:23 से दोपहर 12:05 तक। आज का विजय मुहूर्त समय दोपहर 1:59 से दोपहर 2:36 तक होगा। आज रवि योग बन रहा है जो कि दोपहर 2:56 से अगले दिन सुबह 6:52 तक होगा। आज का गोधूलि मुहूर्त समय शाम 5:22 से शाम 5:49 तक होगा। आज का निशिता काल मुहूर्त समय रात्रि 11:41 से रात्रि 12:35 तक। आज का ब्रह्म मुहूर्त समय सुबह 5:04 से सुबह 5:58 तक होगा। अब आइए जानते हैं आज के दिन और रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं दिन की शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो कि शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त सुबह 7:42 से सुबह 9:02 तक। उसके बाद चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 11:44 से दोपहर 1:05 तक। उसके बाद लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त दोपहर 1:05 से दोपहर 2:26 तक। उसके बाद अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त दोपहर 2:26 से
दोपहर 3:47 तक। तो यह थी दिन की शुभ चौघड़िया मुहूर्त। अब आइए जानते हैं रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में, जो कि लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त 5:07 से 6:47 तक। उसके बाद शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 8:26 से रात्रि 10:05 तक। उसके बाद अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 10:05 से रात्रि 11:44 तक। उसके बाद चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 11:44 से रात्रि 1:24 तक। उसके बाद लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 4:42 से अगले दिन सुबह 6:21 तक। तो यह थी दिन और रात्रि की शुभ चौघड़िया मुहूर्त। यह विक्रम संवत 2080 नल है और शक संवत 1945 शोभन। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञान वर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।